अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन किया, आज इसके एक मजबूत प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेटर है जिसे हमारे बॉडी में रोटेट करना है। ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हर बॉडी जो है वो अपना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करती है। ये हमारे पास एक ऐसी रोड है जिसके ऊपर एक पार्टिकल है जिसके ऊपर एक मैस एम है। इस मैस ने इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना, और ये रोड इस किस्म की बनी हुई है कि सर्कुलर पाथ पे रोटेशन शो कर सकती है। इस मैस एम और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें मालूम है कि इस बॉडी पे ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो कराने के लिए सेंटर पर से एक फोर्स एक्ट करती है जिसे ना सर्कुलर पाथ रोटेट कराती है। ये फोर्स एक्ट तो सेंटर से करती है, बट एक्ट इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती है, इस डायरेक्शन में कि इस बॉडी को फॉरवर्ड बट इन अ सर्कुलर पाथ रोटेट करा सके। तो ये वो हमारी फोर्स है जो इस एम मैस रखने वाली बॉडी को, जो कि एक रोड के पार्टिकल का मैस है, उसे सर्कुलर पाथ पे इस डायरेक्शन में मूव करा रही है। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक हमें मालूम है कि जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो इस फोर्स के लगने से उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस मास के ऊपर जो है फोर्स लग रही है, तो फोर्स के लगने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन ये फोर्स जो है कि लीनियर मोशन में अप्लाई होती है, यानी कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन शो कर रही है तो तब फोर्स और एक्सेलरेशन का ये वाला रिलेशन आता है। लेकिन अब हमें मालूम है कि हमारी जो बॉडी है ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो कर रही है, और सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पर इसे एक टर्निंग इफेक्ट करना पड़ता है। और जब भी किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आता है तो वो टर्निंग इफेक्ट इसमें टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है। टॉर्क एक ऐसा आमिल है जो किसी भी बॉडी में रोटेशनल मोशन पैदा करता है। और हमें मालूम है कि हर पॉइंट पर इस बॉडी को रोटेशनल मोशन शो करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें रोटेशनल मोशन टॉर्क की वजह से आ रहा है। और हमें मालूम है कि जो टॉर्क है वो बराबर होता है आर इंटू एफ के। आर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो फोर्स एक्ट होगी उसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और इसका और आर का प्रोडक्ट होता है लगने वाली फोर्स के साथ, ये हमारा टॉर्क है। हम लोग ने कहा था अब पिछली वीडियो में कि लीनियर क्वांटिटीज को लीनियर मोशन में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वही लीनियर क्वांटिटी सर्कुलर मोशन में एंगुलर क्वांटिटी से रिप्लेस हो जाती है। यानी कि इस सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन में जो फंक्शन इस फोर्स का होता है, इस सर्कुलर मोशन में वही फंक्शन जो है ये टॉर्क करती है। यानी टॉर्क जो है वो फोर्स का फंक्शन इस सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करती है। अब अगर इस फोर्स की जगह इसका एक्सप्रेशन लिख लिया जाए कि ये एम ए की इक्वल है, तो हमारा टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा आर एफ की यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस की जाए तो ये आता है एफ एम ए के इक्वल है, तो हमारा जो टॉर्क है वो आर एम और ए के इक्वल आ जाते हैं। अब चूंकि हम लोग रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, तो फोर्स का फंक्शन जब टॉर्क अदा कर रहा है, टॉर्क परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसे तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि लीनियर मोशन में जो फंक्शन लीनियर एक्सेलरेशन ए का होता है, वही वाला फंक्शन जब सर्कुलर मोशन में बॉडी आती है तो उसमें वो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन नहीं रहता, बल्कि उसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ, तो मुझे मालूम है कि लीनियर एक्सेलरेशन प्रोडक्ट है रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इसकी जगह लिख दूँ तो हमारा जो टॉर्क है वो इस तरह से हो जाएगा एम आर ए की जगह आर इंटू अल्फा, तो आर आर से मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर एम अल्फा, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ पर गौर किया जाए तो न्यूटन ने कहा था जैसे ही किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाइड होती है, जितनी क्वांटिटीज में वो फोर्स अप्लाइड होती है उतनी ही क्वांटिटी में उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ लीनियर मोशन के अंदर, और वही सेम फंक्शन टॉर्क का भी एक्सेलरेशन के एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ है। फर्स्ट कर लेते हैं कि इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि आर स्क्वायर एम को हम लोग कांस्टेंट लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब हमारे जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि टॉर्क इज इक्वल्स टू कांस्टेंट सम कांस्टेंट जो भी हम लोगों ने लेट किया है इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन।
और हमें ये भी मालूम है कि इज इक्वल्स टू के बाद जब कांस्टेंट हो और साथ ही अगली क्वांटिटी हो, तो इसका मतलब है कि जो ये टॉर्क है ये डायरेक्टली रिलेट है एंगुलर एक्सेलरेशन से। यानी कि जिस तरह से सर्कुलर मोशन में हमारा टॉर्क बढ़ता चला जाता है, टॉर्क की वजह से पैदा होने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी क्वांटिटी से इंक्रीज करता चला जाता है। यानी कि लीनियर मोशन में जिस तरह फोर्स इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, उसी तरह सर्कुलर मोशन में टॉर्क के बढ़ने से एंगुलर एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाता है। अब अगर इस कांस्टेंट की बात की जाए, जिसे हम लोगों ने आर स्क्वेयर इंटू एम को हम लोगों ने कांस्टेंट लेस कर दिया, तो इसे हम लोग आई का नाम देते हैं। आई जो है इसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानने के लिए हमें पहले इनर्शिया का मालूम होना जरूरी है, और इनर्शिया का पता हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से चलता है। यानी कि फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन कहता है कि अगर कोई भी बॉडी जिस भी पोजीशन में मूव कर रही है वो उसी पोजीशन में मूव करती रहेगी। अगर वो मूव कर रही है, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की ही पोजीशन में रहेगी, अनलेस कि कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। जब आप कोई फोर्स उस पर एक्ट करते हैं तो ही आप उसकी जगह या उसकी पोजीशन रिप्लेस करते हैं, अदरवाइज वो जिस पोजीशन में है जिस हालत में वो उसी हालत में रहती है। यानी कि अगर फर्श कर लिया जाए कि ये हमारे पास एक गिलास है और ये हिसाब से पड़ा हुआ है, तो ये उसी तरह पड़ा रहेगा जब तक कि मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा कर इसे यहाँ से पुश करूँ। जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी, ये यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ तो यहाँ से ये रिप्लेस होकर इस पोजीशन तक पहुँच जाएगा। तो मैंने कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स दी तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की। एक्सटर्नल फोर्स के बगैर ये जिस तरह से अपनी पोजीशन पर था इसी तरह से अपनी पोजीशन पर रहता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो इनर्शिया है वो किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ मास को कहते हैं, और इनर्शिया जो है वो चेंज रेजिस्ट करता है किसी भी बॉडी की पोजीशन के चेंज में। यानी कि रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट इन चेंज, चेंज इन पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज के अगेंस्ट रिजिस्ट करता है। यानी कि जिस तरह से कोई बॉडी मूव कर रही है ये उसी तरह से उस बॉडी को मूव कराया जाता है, और उसकी पोजीशन में किसी तरह से चेंज आए तो ये उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक लग जाए, तो कार तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसकी वजह से आप लोग भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। इसी तरह जब आप किसी बस में ट्रैवल करें और आप पॉइंट पर आकर बस रुक जाए, तो बस के रुकने की वजह से आपकी बॉडी कुछ देर के लिए नहीं रुक पाती, बल्कि वो आगे की तरफ ही मूवमेंट शो करती है। वो आगे की तरफ इसलिए मूवमेंट करती है कि जिस कार या बस में आप ट्रैवल कर रहे थे उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड थी, तो आपकी बॉडी के अंदर भी वही फीलिंग, वही प्रॉपर्टी होती है कि आप आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जब इनर्शिया जो है वो आप इस वजह से नहीं रुक पाते कि इनर्शिया जो आपकी बॉडी के मेजरमेंट ऑफ मास है वो आपको आगे की तरफ ही मूव कराता है। ये तो इनर्शिया था, लेकिन हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के दौरान के साथ एक ऐसा कांस्टेंट फैक्टर है जिसका फंक्शन सेम वैसा ही है जैसा कि मैथ में है। यानी कि अगर मैथ जो फंक्शन लीनियर मोशन में परफॉर्म करती है, वही फंक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में करती है। तो यानी कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो एंगुलर एक्सेलरेशन वो सर्कुलर मोशन के लिए है, और जो मैथ है वो लीनियर मोशन के लिए होता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के अंदर एक दूसरे की इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म है। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर है आर स्क्वेयर एम के। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं टॉर्क के एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो हमारा टॉर्क एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। टॉर्क की जगह हम लोगों ने लिखा था ये कॉन्स्टेंट इंटू अल्फा, तो अब मुझे लिखना चाहिए कि टॉर्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस और इस एक्सप्रेशन पर गौर किया जाए कि जो फोर्स का है
तो लीनियर मोशन में जो फोर्स का फंक्शन है वो ही सर्कुलर मोशन में टॉर्क का है, जो लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन का है वो ही सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन का है, और जो मैथ का फंक्शन है लीनियर मोशन में वही फंक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कुलर मोशन में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिजिड बॉडी में मुख्य मैसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो भी डिफरेंट होता है हर पॉइंट का। जैसे कि ये कुछ रिजिड बॉडीज हैं, रिजिड बॉडीज कुछ ओवल शेप में भी होती है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में भी होती है, सर्कुलर शेप में होती है, किसी भी शेप में रिजिड बॉडी हो सकती है, क्योंकि रिजिड बॉडी के मुख्य पॉइंट्स होते हैं जिनका सर्कुलर पाथ रोटेशन शो करते हैं, और इनके सेंटर को मिलाने वाली सीधी लाइन जिसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, अगर वो स्ट्रेट आए तो हम वो कह सकते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में चूंकि डिफरेंट मैसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, हर पॉइंट का अपना एक अलग मैस होता है और सेंटर उसका डिफरेंस मुख्तलिफ होता है। जैसे कि ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें ये इसको सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन जिससे ही हर मैस का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, रेडियस मेजर किया जाता है। इसमें मुख्य मैसेज हैं, हर मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क डिफरेंट होगा, क्योंकि हर जो मैस है वो मोमेंट ऑफ रोटेशनल मोशन शो करेगा। तो अगर मैं इस वाले की बात करती हूँ, R1 और N1 मैस वन की बात करूँ, तो इसके लिए जो मेरा टॉर्क होगा वो टॉर्क 1 होगा, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1 इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन 1 के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर मैं 2 वाले के लिए बात करूँ, मैस 2 के लिए, तो इसके लिए जो मेरा टॉर्क होगा इट विल बिकम टॉर्क 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 2। सिमिलरली 3-1 के लिए होगा, 3-1 के लिए टॉर्क 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3rd एंगुलर एक्सेलरेशन 3rd। इसी तरह चलता रहेगा अप टू एंड टर्म, एंड टर्म तक भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन एन होगा। हमें मालूम है कि फिजिक्स में इसका मुख्तलिफ चीज़ों को एडअप करने के लिए हम एक रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे सब तार को एडअप कर देते हैं, इसे हम लोग समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन का साइन ऐसे ही अंडर का एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर हमें कोई ना कोई वैल्यू लगानी पड़ती है, कोई भी वेरिएबल, जैसे कि मैंने आई ले लिया तो मुझे यहाँ समेशन के नीचे लिखना पड़ेगा आई जो मेरे पास है वो वेरी करता है 1 से n तक, यानी कि आई की जगह 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी अप टू n टर्म तक ये आ सकता है। तो इस तरह से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो टॉर्क है एक रिजिड बॉडी का वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी बता सकते हैं, जो कि बराबर है r² m² के प्रोडक्ट के। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सर्कुलर मोशन में मैथ की तरह का रोल अदा करती है, और ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो बॉडी का मैथ पर, दूसरा उसके डिस्टेंस पर, और तीसरी चीज़ उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पर। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो है kg m². तो इस तरह से हम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होता है, जैसे कि सर्कुलर के लिए डिफरेंट है, डिस्क के लिए डिफरेंट है, ओवल शेप के लिए डिफरेंट है, हर बॉडी का एक अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है।